Hey guys, welcome back to our YouTube channel SSR Lab Tech. So today we are gonna unbox Apple MacBook Pro. It's our first Apple thing and it is too expensive. पर हमने ये पहले ख़रीद लिया था, इसलिए इस पर हमने लैमिनेशन वगैरह चढ़ा लिया, तब इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं. मतलब ये अनबॉक्सिंग हुई नहीं, लेकिन क्या करें, दिखानी पड़ती है. ओ इधर सारा सामान खुल गया. खैर रुक जा, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही कर रही हूँ, बाद में तो नोट कर देना. सो ये है हमारा एप्पल मैकबुक प्रो. ये देखिए ऐसे स्टार्ट होता है थोड़ी सी साउंड करके, उसके बाद बस 30 सेकंड्स लगेंगे इसे ओपन होने में, कई बार 10 भी लगते हैं. सो यहाँ पे पासवर्ड, ये मेरे ब्रदर का है, सो ब्रदर ने अपना पासवर्ड लगा रखा है, ये मुझे लगाने नहीं देता किसी भी चीज़ में. तो मैं इसमें पासवर्ड भर. सो ये हम बात कर रहे थे लैमिनेशंस की, ये इसका केस है सब, ये एप्पल का साइन है. ये देखिए ये बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह लग रहा है. इसमें क्या क्या लिखा है, ब्लॉग कूल प्लान मन मोन आई डोंट नो, न्यूज़ भी लिखा है ये देखिए. एंड इसको पीछे करेंगे तो इसके पीछे ये है, ये खुल भी सकता है, मैं खोलूँगी. एंड इसके साथ हमें ये मिला है, ये आई थिंक ये 2 मीटर की है या फिर 2.5, आई डोंट नो, बट बहुत लंबी है. इसे खोल कर दिखाएंगे, इसमें बहुत ही उलझन पड़ी हुई है. ये इतनी लंबी है, दैट्स इट. एंड इसके साथ ही हमें चार्जर मिला है एप्पल का. ये ना नॉर्मल स्विच पे काम नहीं करेगा, ये देखिए इसका ये जो स्विच वाला प्लग है, ये दूसरे प्लग्स पे होता है. ये देखिए इसके, अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ऐसा स्विच ले भी सकते हैं. तो ये हमने पासवर्ड भर लिया गाइस. यहाँ पर ना एंटर नहीं होता, यहाँ रिटर्न लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइए. ये एंटर आई मीन रिटर्न कर सकते हैं. तो ये हो गया ओपन. देन दिस इज योर ऑल डेस्कटॉप आइकन्स एंड दिस इज फाइंडर, दिस इज लॉन्च पैड, दिस इज सफारी, मैसेजेस, दिस इज मेल, दिस इज मैप्स, फोटोज, फेस टाइम, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, रिमाइंडर्स, नोट्स, टीवी, म्यूजिक, पॉडकास्ट, ऐप स्टोर, सिस्टम प्रेफरेंसेस, पिक्सार्ट. आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो. क्विक टाइम प्लेयर, वी एन, डाउनलोड्स एंड विन. एंड यहाँ पर ये जो एप्पल का सिंबल दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आएंगी, अबाउट दिस मैक, सिस्टम प्रेफरेंसेस, ऐप स्टोर, रीसेंट आइटम्स. अगर रीसेंट आइटम्स पे जाकर आप यहाँ पर रीसेंट आइटम्स आपने जो भी खोली होती हैं इसे क्लियर मेन्यू पे करके वो हटा सकते हैं. दिस इज़ फोर स्क्विड स्लीप रीस्टार्ट, ये रीस्टार्ट करने के लिए, और अगर आपने लैपटॉप को स्लीप. दिस इज़ लॉक स्क्रीन एंड दिस इज़ लॉग आउट. आप जो इस कंप्यूटर में जिसने अकाउंट बना रखा है यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं. सो दिस इज़ फाइंडर, अबाउट फाइंडर, प्रेफरेंसेस, एम्प्टी बिन, सर्विसेज प्रेफरेंसेस आ जाएगा सर्विसेज को खोल के. यहाँ हाइड फाइंडर, हाइड अदर, शो ऑल एंड दिस इज़ फाइल पे जाके यहाँ पे आएगा न्यू विंडो, न्यू फाइंडर विंडो, न्यू फोल्डर विद सिलेक्शन, न्यू स्मार्ट फोल्डर, न्यू टैब, ओपन विद क्लोज विंडो, गेट इन्फो, रीनेम, कंप्रेस, डुप्लीकेट, मेक एली, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड बट आई थिंक मेक
क्विक लुक, प्रिंट, शेयर, शो ओरिजिनल, ऐड टू साइड बार, मूव टू बिन, एजेक्ट, दिस इज फाइंड, एंड एडिट पे जाकर यहाँ पर अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, शो क्लिपबोर्ड, स्टार्ट डिक्टेशन, इमोजी एंड सिंबल्स, एंड अब व्यू पर जाएंगे, इस पर आ गया एज आइकन्स, एज लिस्ट, एज कॉलम्स, एज गैलरी, यूज टैग्स, सॉर्ट बाय, क्लीन अप बाय, हाइड साइड बार, हाइड प्रीव्यू, हाइड टूल बार, शो ऑल टैब्स, हाइड टैब बार, हाइड पाथ बार, हाइड स्टेटस बार, कस्टमाइज टूल बार, कस्टमाइज टच बार, शो व्यू ऑप्शन, शो प्रीव्यू ऑप्शन, एंटर फुल। और एक चीज़ यहाँ पर, ये सॉर्ट बाय पे जाके ये चीज़ आई थी, यहाँ पर है नन, स्नैप टू ग्रिड, नेम, काइंड, डेट लास्ट ओपन, डेट एडिट, डेट मॉडिफाइड, डेट क्रिएटेड, साइज टैग्स। नाउ इसके बाद गो पर जाएंगे, गो पर है बैक, फॉरवर्ड एंड क्लोजिंग फोल्डर, रीसेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, होम, कंप्यूटर, एयर ड्रॉप, नेटवर्क, आई क्लाउड ड्राइव, शेयर्ड एप्लीकेशंस, यूटिलाइजेस रीसेंट फोल्डर्स, यहाँ पर ये मेरे ब्रदर का नाम है आशु, डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपका नाम आ गया जिसके नाम से ये चल रहा है लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, रीसेंट्स, एंड देन गो टू फोल्डर एंड देन कनेक्ट टू सर्वर, एंड देन उसके बाद हम जाएंगे विंडो पे, विंडो पे आया मिनिमाइज जूम, मूव विंडो टू लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन, मूव विंडो टू राइट साइड ऑफ स्क्रीन, रिप्लेस द विंडो साइकिल थ्रू विंडोज, शो प्रोग्रेस विंडो, ब्रिंग ऑल टू फ्रंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिंग ऑल टू फ्रंट के अलावा जो यहाँ पर और उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आप उनमें क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। अभी इसका रीज़न मुझे नहीं पता, आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अब उसके बाद जाएंगे हम हेल्प पे, यहाँ पर मैक ओज हेल्प आ गया, सी व्हाट्स न्यू इन मैक ओज, न्यू टू मैक, लर्न द बेसिक्स, एंड यहाँ पर बैटरी आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर बैटरी पता लग जाएगी अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे लैपटॉप की बैटरी है अभी 41%, और इसके नीचे आ गया पावर सोर्स बैटरी, यूजिंग सिग्निफिकेंट एनर्जी, स्पॉटलाइट, बैटरी प्रेफरेंसेस। यहाँ अगर आपके घर में वाईफाई लगा तो यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, किसी फ़ोन से हॉटस्पॉट लेके कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई ऑन करके, इसे ऑन करके अदर नेटवर्क प्रेफरेंसेस। ये देखिए यहाँ पर इतने सारे कनेक्शन आ रहे हैं, लेकिन ये किसी और के हैं इसलिए इसमें कनेक्ट नहीं होंगे। सो दिस इज सर्च, यहाँ पर आ गए हैं सफारी, यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे यहाँ सफारी आ गया, म्यूज़िक, कुछ भी जो इसमें चीज़ है, बाकी आपकी मर्ज़ी आपको क्या सर्च करना तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पे ये इसे खोल के ये जो दो चीज़ें दिखा रहा है, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन इसे खोल के ये लिखा रहा है वाईफाई कनेक्शन, नॉन कनेक्टेड, ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें एयरड्रॉप्स भी कनेक्ट कर सकते हैं आप जो ब्लूटूथ वाले होते हैं, एंड आप जो वो वायर वाले होते हैं वो भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, एंड दिस इज़ फोकस, कीबोर्ड ब्राइटनेस, इससे शायद कीबोर्ड की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं जो यहाँ पर है, यहाँ पर दी गई है, ये टच सिस्टम है इतना हिस्से में सारा, अगर आप इसे देखेंगे, ये देखिए इसे खोल कर ये ब्राइटनेस ऐसे तेज हो जाएगी, आई थिंक कम होगी, अब इसमें से ज़्यादा होगी, ये विंगेट्स हैं, आप आई डोंट नो इसका क्या काम है, कुछ निकलता तो नहीं इसको खोल के, एंड दिस इज़ ये पॉज करने के लिए, ये आगे जाने के लिए, एंड ये प्रीवियस, दिस इज़ ब्राइटनेस, एंड दिस इज़ म्यूट, दिस इज़ ऑल्सो साउंड बटन्स, आई डोंट नो किस काम के हैं, ये तीन तीन, एक साउंड वैसे काफ़ी था पर यहाँ तीन दे रखे हैं, आपको पता है तो अच्छी बात है, एंड दिस इज़ एप्पल, वो जो एप्पल सीरी, अभी ये इनेबल नहीं है, इसे इनेबल करना पड़ेगा, अभी हमने की नहीं हुआ इसलिए ये काम नहीं करता। सो यहाँ पर ये दिखाएगा टाइम, सो हम आपको दिखाते हैं सफारी में आप क्या क्या कर सकते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा ये बिल्कुल इंटरनेट या एक तरह का ये काम करता है, इसमें गूगल वगैरह चला सकते हैं आप, गूगल खोल के यूट्यूब, ये फेवरेट्स आ गए यहाँ पर,
दिस इज स्टार्ट पेज यूटिलाइज्ड कलेक्टेड लिंक्स बुकमार्क रीडिंग लिस्ट। थोड़ा ब्लर आ रहा है, आई एम सॉरी अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हुई हो तो। और दिस इज़ प्राइवेसी रिपोर्ट, आप बढ़ सकते हैं। 29 इन द लास्ट 7 डेज सफारी हैज़ प्रिवेंटेड 29 ट्रैकर्स फ्रॉम प्रोफाइलिंग यू एंड हिडन योर आईपी एड्रेस फ्रॉम नोन ट्रैक्स। सो ऐसे ही काम करता है। बाकी आप इसमें, अगर आप इंजीनियर हैं तो इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप एडिटर हैं तो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट। अब हम शट डाउन करके दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर गए एप्पल के सिंबल में, ये शट डाउन का ऑप्शन है, शट डाउन, एंड यहाँ पर ये आ गया। इसका कुछ काम तो है नहीं, ये जो आया बस आपको यहाँ शट डाउन पर क्लिक करना है और ये शट डाउन हो जाए।